जय माता दी। दोस्तों मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आदि शक्ति माँ दुर्गा भवानी के नवरात्रा शुरू हो चुके हैं। वैसे साल में चार बार नवरात्रा आते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा शरदीय नवरात्रा को ही माना गया है। शरदीय नवरात्रा माँ दुर्गा का अति पावन पर्व है और माँ के नौ अति शक्तिशाली रूपों का पूजन नवरात्रा में किया जाता है। माता के ये नौ रूप अति शक्तिशाली हैं और सभी मनोकामनाओं को पूरे करने वाले हैं। कहते हैं कि माँ दुर्गा नवरात्रा के इस पावन पर्व में किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्तों के समस्त दुखों को दूर करती है। हिंदू शास्त्रों में वर्णन है कि स्वयं भगवान श्री राम ने लंका पर विजय के लिए लगातार नौ दिनों तक माँ आदिशक्ति दुर्गा का पूजन एवं व्रत किया था। कहते हैं कि श्री राम जी को ब्रह्मा जी के निर्देशों के अनुसार 108 नील कमल की आहुति हवन में अर्पित करनी थी, लेकिन रावण भी बड़ा मायावी था तो उसने इस पूजा को भंग करने के लिए हवन के लिए लाए गए 108 नील कमल में से धोखे से एक नील कमल निकाल लिया। जब भगवान श्री राम को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस नील कमल के स्थान पर अपने नेत्र को तुनीर से निकालकर माता को समर्पित करना चाहा। तो जैसे ही भगवान श्री राम ने अपने नेत्र माता को भेंट करने के लिए तुनीर हाथ में लिया, तभी माता प्रकट हुई और श्री रामचंद्र जी की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद दिया। लगभग हर हिंदू परिवार में घर में माता के नवरात्रा मनाए जाते हैं और नौ दिनों तक माता का पूजन किया जाता है। तो आपने भी घट स्थापना जरूर की होगी। विधि पूर्वक माँ की पूजा आपने शुरू कर दी होगी, मगर दोस्तों एक चीज़ ऐसी है जो आपको माता के पूजन में जरूर शामिल करनी चाहिए और उसके बगैर माता की पूजा लगभग अधूरी ही मानी जाती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको कुछ अति अद्भुत और दुर्लभ जानकारियाँ नवरात्रा से जुड़ी शेयर करने जा रहे हैं। मैं हृदय से पंडित श्री हितेश शर्मा जी का आभारी हूं, जिन्होंने ये दुर्लभ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए हमें दी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जिन लोगों को अपनी कुल देवी का पता नहीं है, वो नवरात्रा में एक विशेष उपाय को कर सकते हैं। कुल देवी की कृपा सभी को अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि कुल देवी की कृपा से ही आपका घर समृद्ध हो सकता है। तो जिन लोगों को अपनी कुल देवी का पता नहीं है और पता भी है, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो जिन लोगों को अपनी कुल देवी का पता नहीं है, वो नवरात्रा में चार मुखी दीपक माता के समक्ष अवश्य जलाएं, पूरे नौ दिनों तक जलाएं, या फिर जब भी आपको जानकारी मिल जाए आप ये काम शुरू कर सकते हैं। तो कुल देवी का पता नहीं होने पर आप माता दुर्गा भवानी के समक्ष चार मुँह का दीपक अवश्य जलाएं। इस दीपक के साथ में आपको लाल रंग का गुलाब का फूल अवश्य ही अर्पित करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, नवरात्रि के रविवार के दिन, फिर से सुन लीजिए, नवरात्रि में रविवार के दिन आपको अनार का फल, जिसे रक्त फल भी कहा जाता है, लाल फल कहा जाता है, एक अनार का फल आपको लाल फूल के साथ में दीपक के सामने, जो चार मुखी दीपक आपने जलाया है उस दीपक के सामने जरूरी अवश्य रूप से अर्पित करना है। और फिर कुछ समय के बाद में इस अनार के दानों को घर परिवार में प्रसाद के रूप में बांटकर इसका सेवन कर लेना है, ग्रहण कर लेना है। जिन्हें अपनी कुल देवी का पता नहीं है, वो इस प्रकार से चार मुखी दीपक प्रज्वलित करके इस उपाय को करते हैं, उनकी कुल देवी घर में प्रवेश कर जाती है और कुल देवी का आशीर्वाद हमेशा के लिए उस घर में मिलने लगता है। कुल देवी का आशीर्वाद, कुल देवी की कृपा जिन लोगों को चाहिए, वो इस उपाय को नवरात्रा में कर सकते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि देवी माँ की पूजा में वो क्या खास चीज़ है जो आपको जरूर से रखनी चाहिए। तो दोस्तों देवी को रक्त पुष्प यानी कि लाल रंग का पुष्प आपको अवश्य ही रोजाना अर्पित करना चाहिए। आप लाल गुलाब का सुगंधित फूल माता को अर्पित कर सकते हैं। माँ दुर्गा को अर्पित की जाने वाली विभिन्न पूजन सामग्रियों में इत्र का होना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, इत्र के बिना माँ दुर्गा की पूजा लगभग अधूरी ही मानी जाती है और ख़ासकर नवरात्रि में
देवी को इत्र अर्पित करने का सबसे ज़्यादा महत्व माना गया है। तांत्रिक ग्रंथों में तो नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी को अलग अलग वस्तुओं से बने इत्र भेंट करने का वर्णन भी है। यदि आप आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं तो माता को चंदन का इत्र भेंट कीजिए और इस इत्र को 9 दिनों तक देवी की पूजा में रखे रहने दीजिए और फिर नवरात्रि के अंतिम दिन इस इत्र में से कुछ बूंदे निकालकर अपनी तिजोरी, जहां पर आप पैसा रखते हैं, धन आभूषण रखते हैं, वहां पर लगा दीजिए। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे मगर आश्चर्यजनक रूप से आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। जिंदगी में पारिवारिक दाम्पत्य जीवन की परेशानियां सभी के साथ चलती हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो शादीशुदा है और उसके दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी नहीं आई हो। तो यदि पति पत्नी के बीच मन मुटाव है तो आप इसे दिल से दूर करना चाहते हैं तो नवरात्रि में शुक्रवार के दिन दुर्गा माँ के मंदिर में जाइए और गुलाब का इत्र भेंट कीजिए। और जहाँ घर में आपने माता को स्थापित किया हुआ है, कलश स्थापित किया हुआ है, जहाँ आप माता की पूजा कर रहे हैं, शुक्रवार के दिन ही आपको गुलाब का इत्र वहाँ भी रख देना है और इस इत्र का छिड़काव आपको अपने बेडरूम में करना है नवरात्रि के पश्चात। यदि आप अविवाहित हैं तो गुलाब का इत्र देवी को भेंट कीजिए। नवरात्रा में माँ दुर्गा को, माँ भवानी को गुलाब का इत्र भेंट करने से विवाह का मार्ग शीघ्र खुलने लगता है। यदि आपके शत्रु हैं और आप शत्रुओं को शांत करना चाहते हैं, शत्रुओं का नाश करना चाहते हैं या शत्रुता का नाश करना चाहते हैं तो नवरात्रि में मंगलवार के दिन माँ भवानी दुर्गा को चंपा या चंदन का इत्र भेंट कीजिए और माता से अपने शत्रुओं के नाश के लिए निवेदन कीजिए। जो लोग बार बार बीमार हो जाते हैं, ऐसे लोगों को रोग नाश के लिए, आयु आरोग्य की प्राप्ति के लिए चंदन का इत्र माँ भवानी दुर्गा को अवश्य ही भेंट करना चाहिए। इस नवरात्रा में आप चंदन का इत्र भेंट करके आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी वो सबसे ज़रूरी पूजन सामग्री जो कि आपको माता को अवश्य रूप से भेंट करनी चाहिए, जो कि है इत्र। तो जैसी भी आपको आवश्यकता हो वैसा इत्र आप माता को अवश्य भेंट कीजिए। और हम करते हैं इस वीडियो को बस यहीं विराम। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस के अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर भी अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।